नमस्कार, अमरोहा टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रयाल। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमरोहा में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के ट्रायल के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। ये धमाका इतना बड़ा था कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस घटना के बाद से आसपास के सभी इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास रखे उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई स्वास्थ्यकर्मी इस धमाके की चपेट में नहीं आया। दरअसल अमरोहा में ये प्लांट कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के मद्देनजर लगाया जा रहा था और दो दिन बाद ही इस ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन भी था। ये इनॉग्रेशन पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के हाथों होना था। वहीं उद्घाटन से पहले कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक से सिलेंडर फट गया और ब्लास्ट से ऑक्सीजन के प्लांट की धज्जियां उड़ गई। वहीं ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट की सूचना मिलते ही एसडीएम विनय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में तैनात डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत भी की। नहीं, ये ऑक्सीजन प्लांट सीएसआर मद से यहाँ एस्टेब्लिश कराया जा रहा था और इसका पिछले एक हफ्ते से ट्रायल भी उनकी टेक्निकल टीम कर रही थी। आज ट्रायल के दौरान ही उनका कोई तकनीकी बंदा था, इस दौरान जो ड्राई एयर का वो कंटेनर था उसमें वो फट गया। तो कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई दुर्घटना की इस तरह की बात नहीं हुई है। बाकी उनकी इंजीनियरिंग की टीम आ रही है, वो आ जाती है तो एसएस करके वो बताएगी कि क्यों ये हुआ। कितने रुपए की कीमत से यह बनना था और कितने लोगों को इससे लाभ पहुँचता? इससे तो लगभग हमारे 150 से ज़्यादा बेड कवर होते हैं और ये सीएसआर मद से लगा है तो एग्जैक्ट कीमत तो हम अभी नहीं बता पाएंगे। सीएसआर मद से ये डोनेट एक तरह से किया गया है। सर, कितनी क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है? कितनी क्षमता? ये 660 एमएलडी का है, लीटर पर मिनट। ये अभी ट्रायल पर चल रहा था, कंपनी ने अभी इसको हैंड ओवर नहीं किया है और वो लगातार 7 दिन से इस पर ट्रायल कर रहे थे। आसुआ भी उन्हीं के ऑपरेटर ने जैसे ही टाल लेने की कोशिश की, अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया। सर, ये परसों को इसका शुभारंभ हुआ है ना ही कंपनी ने अभी कोई इसके कारण। परसों इसका शुभारंभ भी होना था पूर्व सांसद के द्वारा। हाँ, उसकी तैयारी चल रही थी। सर, कुछ कैजुअलिटी तो नहीं हुई अभी? कोई किसी प्रकार की कोई? ये सर, ये जो फटा है, ये ऑक्सीजन प्लांट का कौन सा हिस्सा है, क्या है बताया जा रहा है? टेक्निकली लोग बता पाएंगे। कंपनी वाले आएंगे। वही क्या क्षमता है सर इसकी प्लांट की? इस प्लांट की क्षमता 666.7 लीटर पर मिनट की है, जिससे कि 130 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई। इसी दौरान एसडीएम ने टेक्निकल टीम को जल्द बुलाने के निर्देश भी दिए। फिलहाल ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट होने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन टेक्निकल टीम के आने के बाद ही ब्लास्ट के कारणों का पता चलेगा।